आपकी योगाचार नामिता, आज हम कपाल भाती में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस पर बात करूंगी मैं। कपाल भाती सबसे पहले ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये कोई भी प्राणायाम नहीं है। कभी भी आप अपना योग स्टार्ट करें तो हमेशा कपाल भाती से स्टार्ट करें, ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इसे हमेशा माइंड में रखें। बॉडी की गंदगियों को बाहर निकालता है। दूसरी बात, ये जो है, जो कई लोग कहते हैं मैं 15 मिनट करता हूँ, आधे आधे घंटे कपाल भाती करता हूँ, बिल्कुल गलत है। कपाल भाती का जो मैक्सिमम टाइम 5 to 10 मिनट्स ही होना चाहिए, क्योंकि ये जब हम फोर्सफुली एक्सीलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने इंटरनल ऑर्गन को प्रेशर दे रहे हैं, एक लिमिट तक देना चाहिए। कई तरह बार बहुत लंबे समय तक करने का भी इसका ड्रॉबैक है। लोग कहते हैं कि योग से हमें निगेटिव इम्पैक्ट आया है, तो उसका रीजन कई बार ज्यादा करने से भी होता है। तीसरी बात, कपाल भाती जो मैक्सिमम 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें कि आप स्टार्ट करें जब शुरू में डीप इनहेल, जब तक हो सके कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल 120 स्ट्रोक के बाद आपको अगेन इनहेल करना है, वापस से नॉर्मल होके फिर से इनहेल करके फिर करना है। फिर आप इसे रेगुलर करें, 5 to 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और जो मेरा कपाल भाती का बेसिक फर्स्ट वीडियो है उसे ज़रूर देखें, मैंने पूरा बता रखा है। ये कुछ प्रिकॉशंस है और ये हर एक बीमारी में तो नहीं किया जाता। ये हाई बीपी, हार्ट पेशेंट, ये लोग 120 स्ट्रोक तक तो इम्पॉसिबल है, ये इनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा बीपी बढ़ा देता। कपाल भाती एक कार्डियो एक्सरसाइज है, इसे साइंस में चेक किया गया है कि लोग जो कपाल भाती करते हैं उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। इसलिए टेक केयर अबाउट दिस। थैंक यू, मैं आपकी योगाचार नमिता इसी तरह से इंफॉर्मेटिव मैसेज आपके पास लाती रहूंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स पर लिखें। थैंक यू।